हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल टुडे वी विल स्टडी अबाउट सॉल्ट ओके अब तक हमने एसिड्स और बेट्स बेसिस के बारे में पढ़ा हुआ था आज हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे ठीक है सो हियर इट इज सॉल्ट्स एंड देयर फॉर्मेशन सो सबसे पहले आता है व्हाट इज सॉल्ट सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज अ सॉल्ट ओके तो सॉल्ट क्या है सो सॉल्ट इज सॉल्ट आर आयोनिक कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड्स हैं सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स ओके कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट आयोनिक कंपाउंड्स हैं इसलिए इनके पास इनके कैसे कितने पार्ट हैं टू पार्ट्स ओके सो वन पार्ट वन पार्ट कैरिंग positive charge okay one part carrying positive charge positive charge and another part is carrying a negative charge okay and another part is carrying negative चार्ज ओके एज वी नो पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड कैटाइन ओके एंड नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड एनाइन सो मींस सॉल्ट जो होते हैं वो एक आयनिक कंपाउंड्स हैं जिनके दो पार्ट होते हैं ठीक है दो पार्ट में पहला पार्ट होता है कैटाइन का दूसरा पार्ट होता है एनाइन का पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ठीक है सो ये जो चार्जेस होते हैं इनके अंदर सो so, वो लिख रहा हूं मैं द नंबर ऑफ चार्ज ओके द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मींस नंबर ऑफ कैटाइन नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मींस नंबर ऑफ कैटाइन ओके आर इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ओके मतलब जो सॉल्ट के अंदर जो दो चार्ज होते हैं पॉजिटिव चार्ज दो पार्ट होते हैं पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज वो दोनों इक्वल होते हैं ओके दैट इज वाई द सॉल्ट आर सो द सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ओके सो द क्वेश्चन में बी आस्ट लाइक वाट आर सोल्ट तो हम लिखेंगे सोल्ट आइनिक कम्पाउंड हैं जिनके अंदर दो पार्ट होते हैं पहला पार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज कैटाइन का दूसरा पार्ट होता है निगेटिव चार्ज एनाइन का और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज सो दैट द सॉल्ट आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है इसलिए सोल्ट जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं ओके क्लियर सोल्ट पता चल गया अब आते हैं वी आर स्टडिंग अबाउट सम सॉल्ट एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट सम कॉमन सॉल्ट ओके सम कॉमन सॉल्ट विथ देयर फॉर्मूला ठीक है एंड फॉर्मूला ठीक है ये हमारे पास नेक्स्ट है हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं बहुत सारे सॉल्ट के विथ देयर फॉर्मूलाज ओके नाउ लेट्स स्टार्ट विथ ओके नाउ वी हैव द टेबल लाइक टेबल है हमारे पास एक सॉल्ट ठीक है देन फॉर्मूला ठीक है पॉजिटिव पार्ट क्योंकि दो पार्ट होते हैं ना तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन हम ये साथ साथ ये भी देखते जाएंगे कि, कितना पार्ट पॉजिटिव है और कितना पार्ट निगेटिव है ठीक है तो पहला फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं सबसे सिंपल सोडियम क्लोराइड ठीक है तो सोडियम क्लोराइड क्लियर फॉर्मूला इज एन ए सी एल पॉजिटिव पार्ट क्या है एन ए पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट इसके अंदर क्या है सीएल निगेटिव सिंपल सी बात है इतनी बात समझ में भी आ रही है नेक्स्ट नेक्स्ट ले रहा हूं मैं सोडियम सल्फेट ठीक है सोडियम सल्फेट फॉर्मूला इज एन ए टू फोर तो पॉजिटिव पार्ट हो गए टू एन ए पॉजिटिव और एसओ फोर निगेटिव पार्ट हो गया SO4 फोर टू नेगेटिव बैलेंसी टू होती है निगेटिव ठीक है नेक्स्ट लेते हैं पोटेशियम नाइट्रेट के एनओ थ्री ओके सो पोटेशियम नाइट्रेट एनओ थ्री यहां लिखेंगे देन के पॉजिटिव एंड एनओ थ्री नेगेटिव क्लियर समझ में आ रहा है ठीक है सो हमने पढ़ा था सॉल्ट में दो पार्ट होते हैं हमने देख भी लिया दो पार्ट होते हैं पॉजिटिव आयन भी होता है और नेगेटिव आयन भी होता है नाउ हाउ इट इज फॉर्म्स ओके सो द क्वेश्चन में भी आज हाउ सॉल्व आर फॉर्म्स सो हाउ सॉल्ट इज फॉर्म्ड ठीक है तो अब पढ़ेंगे हाँ तो हेडिंग हमारी क्या थी सॉल्व एंड दर फॉर्मूला तो सॉल्व हमने पढ़ लिया अब उनका फॉर्मेशन कैसे बनते हैं ठीक है थीके? तो फॉर्मेशन इज लाइक कैसे बनता है ठीक है अ लार्ज नंबर लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शंस बहुत सारी रिएक्शंस में हमने देखो जब जितनी बार हमने पिछली बार एसिड्स और बेस पढ़े थे जितनी सारी रिएक्शंस पढ़ी थी और जहां पर भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वर्ड यूज कर रहे थे वहां हर रिएक्शन के अंदर एक सॉल्ट बन रहा था ठीक है सो so वही है अ लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शंस ओके टेकिंग टेक प्लेस ओके फॉर्मिंग सॉल्ट्स क्लियर तो बहुत सारी रिएक्शन हैं जिनमें सॉल्ट्स बनते हैं ठीक है तो हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल है बाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सिंपल है ये सबसे सिंपल है बाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पहला तरीका हाउ द सॉल्ट आर फॉर्म बाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे वेन द एसिड्स रिएक्ट विद बेस ठीक है तो एसिड वेन रिएक्ट विद बेस वेन बेस रिएक्ट विद एसे ठीक है अब क्या होगा सोल्ट में पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होता है अभी देखो एनए सी एल एन ए सी एल और एच टू ओ एच टू ओ ठीक है अभी हम पढ़ के आए हैं देखो एन ए में एन ए पार्ट पॉजिटिव चार्ज है और सी एल निगेटिव चार्ज है तो एन ए पॉजिटिव है और सी एल निगेटिव है क्लियर ठीक है एनदर एग्जाम्पल के ओ एच पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अ बेस वेन रिएक्ट विद एच एन ओ थ्री नाइट्रिक एसिड ये बेस है और ये एसिड ठीक है नाउ क्या बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट ओके देन बनेगा के एन ओ थ्री एंड के एन ओ थ्री और एच टू ओ ठीक है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या पढ़ी थी हमने वेन एसिड प्लस बेस फॉर्म्स सॉल्ट एंड वॉटर क्लियर है तो सॉल्ट की फॉर्मेशन बाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ठीक है ना कम टू द पॉइंट एन अदर एन अदर बे द सेकेंड हाउ द सोल्ट कैन बी फॉर्म द सेकेंड सेकेंड एग्जाम्पल कैसे बन सकते हैं दूसरा दूसरी तरीके से बता रहे हैं ठीक है ओके ना द सेकेंड वन हियर इज बाई एक्शन ऑफ बाई एक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑन एसिड ऑन एसिड तो जरूरी नहीं है कि केवल बेस और एसिड का ही रिएक्शन होगा तो सॉल्ट बनेगा नो no. ऐसा जरूरी नहीं है दूसरा टाइप हम पढ़ रहे हैं कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तब भी सॉल्ट बनाते हैं मेटालिक सॉल्ट ठीक है और मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में भी हमने ये मेटल का रिएक्शन जब एसिड के साथ पढ़ा था तब भी हमने ये पढ़ा था कि सॉल्ट बनाते हैं ठीक है तो एक्टिव मेटल्स एक्टिव मेटल्स वेन रिएक्ट विद एसिड रिएक्ट विद एसिड्स नाउ द क्वेश्चन इज वाट आर एक्टिव मेटल ये एक्टिव मेटल्स कौन होते हैं द मेटल्स अबब द हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ध्यान से सुनिए एक्टिव मेटल कौन होते हैं द मेटल्स अब अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के ऊपर वाले इन रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं मेटल्स वो सारे एक्टिव मेटल्स कहलाते हैं ओके एक्टिव मेटल्स की डेफिनेशन है द मेटल्स अब हाइड्रोजन इन अ रिएक्टिविटी सीरीज क्लियर ओके नाउ वी विल स्टडी अबाउट की एक्टिव मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं एसिड से तो क्या होता है ठीक है दूसरा एग्जाम्पल नाउ द जिंक अब हाइड्रोजन है तो एक्टिव मेटल है जिंक उसका रिएक्शन अगर एस टू एसओ फोर से होगा तो बनेगा जिंक सल्फेट एंड एच टू क्लियर जिंक सल्फेट और एच टू अलग हो जाएगा ठीक है वेन मेटल रिएक्ट विद एसिड वेन एक्टिव मेटल रिएक्ट विद एसिड फॉर्म्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस क्लियर तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ठीक है एम अदर एग्जाम्पल देख लो मैग्नीशियम मैग्नीशियम वेन रिएक्ट विद एच सी एल ठीक है तो क्या बनेगा एम जी सी एल टू प्लस एच टू बैलेंस करेंगे देखो सी एल टू है और एच टू है यहां वन वन है तो आप टू लगा दोगे बैलेंस हो गई ठीक है तो दूसरा पढ़ लिया बाई एक्शन ऑफ मेटल ऑन एसिड्स तीसरा तरीका हाउ सॉल्ट कैन बी फॉर्म तीसरा है वेन एसिड्स ओके एसिड्स ऑन मेटल कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट्स एंड बाई कार्बोनेट्स जब एसिड का मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट से रिएक्शन होगा तब भी सॉल्ट बनेंगे ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट तो कैल्शियम मेटल है तो मेटल कार्बोनेट हो गया एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कैल कार्बोनेट का, का दूसरा लेंगे बाई कार्बोनेट का तो पहले कार्बोनेट का देख लेते हैं मेटल कार्बोनेट है ये ओके देके बन जाएगा सी ए सी एल टू प्लस एच टू ओ प्लस टू ठीक है सी ए सी एल टू तो दो लगा हुआ है फिर एच टू एक ऑक्सीजन यहां से लेगा एच टू ओ फिर सी ओ टू क्योंकि एक तो जा चुका दो बचे सीओ टू ठीक है अब बाई कार्बोनेट से सोडियम बाई कार्बोनेट ओके वेन रिएक्ट विद एच सी एल तो क्या बन जाएगा देखिए NaCl, सी एल ओके सर NaCl, सी एल देन एच एच दो गए और एक ऑक्सीजन यहां से ले लेगा एच टू ओ ठीक है अब सीओ थ्री थे ना एक ऑक्सीजन चला गया अब बचा सी ओ टू क्लियर तो हमें पता चल गया जब एसिड्स मेटल कार्बोनेट या बाईकार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट हो गई एसिड वेन रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट दोनों का एक एग्जाम्पल है ये मेटल कार्बोनेट का है और ये मेटल बाई कार्बोनेट का है ठीक है ओके नाउ द फोर्थ टाइप चार तरीका चार तरीके हैं तो चौथा तरीका है कि कैसे एसिड्स बनते हैं ठीक है ओके नाउ फोर्थ टाइप इज एक्शन ऑफ मेटल ऑन अल्कलीज एक्शन ऑफ मेटल ऑन अल्कली अच्छा जी अल्कलीज क्या होता है सोलुबल सॉल्ट अल्कलीज क्या होते हैं जो वाटर सोलूबल सॉल्ट होते हैं उन्हीं को अल्कली बोलते सॉरी वाटर सोलबल बेस जो होते हैं उन्हीं को अल्कली बोलते हैं ठीक है तो मेटल का रिएक्शन बेस से होगा तो भी सॉल्ट बनेंगे ठीक है जेड एन मेटल रिएक्ट विद एन एच ठीक है क्या बने जाएगा एन ए टू जेड एन ओ टू ठीक है प्लस हाइड्रोजन गैस अब बैलेंस कर लीजिए एन ए टू है तो टू लग जाएगा जेड एन ओ टू ओके एच टू ओ क्लियर ओके सो दिस इज वॉट कॉल्ड सोडियम जिंकेट क्या बनाया जी जब जिंक ने बेस के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम जिंकेट बनाया और हाइड्रोजन गैस निकली ठीक है और एनदर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम वेन रिएक्ट विद एन एच प्लस वॉटर वॉटर की प्रेजेंस में ठीक है क्योंकि अलकलीस पाउडर है ना सोलबल बेस ठीक है सोलोविल बेस होते हैं अलगलीज तो वाटर के साथ भी उनको लिख सकते हैं ठीक है नाव बनेगा क्या सोडियम एल्यूमिनेट इसको बोलते हैं यह है सोडियम जिंकेट सोडियम एल्यूमिनेट क्लियर है फॉर्मूला याद करना है एनए टू जेड एन ओ टू तो सोडियम जिंकेट और यहां है सोडियम एल्यूमिनेट प्लस अब देखो बैलेंस करेंगे सोडियम एल्यूमिनियम ओ टू ठीक है और और ओ हो गया अब बच रहा है आपके पास थ्री एच टू यहां पर भी देखो टू लगेगा यहां टू लगेगा यहां टू लगेगा यहाँ टू लग जाएगा और थ्री एच टू क्लियर बैलेंस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्शन ऑफ मेटल विद अल्कलीज तो हम यहां लिख सकते हैं कि वेन मेटल प्लस गिव्स अस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस क्लियर तो चार तरीके हमने पढ़ लिए कि कैसे कैसे बनते हैं तो पहला तरीका था न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस दूसरा था बाई एक्शन ऑफ मेटल ऑन एसिड्स तीसरा था बाई एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट चौथा तरीका है बाई एक्शन ऑफ मेटल ऑन अल्कलीज ठीक है बाई एक्शन ऑफ मेटल ऑन अल्कलीज ये चौथा तरीका था ये तो हो गया सॉल्ट एंड देयर फॉर्मेशन अब टॉपिक है हमारा मोर अबाउट सोल्ट मोर अबाउट सॉल्ट ठीक है मोर अबाउट सॉल्ट में जब पढ़ेंगे तो आता है फैमिली फैमिलीज ऑफ सॉल्ट हम सबकी फैमिली होती है तो यहां पर हम सॉल्ट की फैमिलीज पढ़ने वाले हैं सॉल्ट की फैमिलीज ओके सो क्या होता है सॉल्ट की फैमिली इट इज वॉट एज वी नो द सोल्ट आर फॉर्म्ड बाई द एसिड्स एंड बेस जो सॉल्ट होते हैं एसिड और बेस जब जुड़ते हैं तब सॉल्ट बनता है ठीक है तो डिपेंड्स ऑन दिस एसिड और बेस एसिड और बेस की कैसा एसिड या कैसा बेस है इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी फैमिली कैसी होगी ठीक है तो फैमिली ऑफ सॉल्ट में हम ये पढ़ेंगे कि कैसा एसिड या बेस है ठीक है तो फैमिली ऑफ सॉल्ट तो पहला पार्ट है फैमिली का क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ओके ऑफ एसिड्स वैसे तो हमें यह पता है कि ऐसे और बेस से बनते हैं तो पहले हम एसिड से बनने वाले सॉल्ट की फैमिली का पता लगा रहे हैं ठीक है जो जो एसिड से बनते हैं उनकी फैमिली क्या है ठीक है तो पहली फैमिली का पहला आ, आ जाएगा नाम क्लोराइड्स ओके क्लियर समझो देखो फैमिली ऑफ सॉल्ट पढ़ रहे हैं तो हमने हमें ये पता है कि सॉल्ट जो होते हैं वो एसिड और बेस से मिलके बनते हैं ठीक है तो किस तरह का एसिड है या किस तरह का बेस है उससे उनकी फैमिली का पता चलता है ठीक तो पहली कैटेगरी पढ़ रहे हैं हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एसिड्स ठीक है उनकी फैमिली का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एसिड्स तो पहला क्लासिफिकेशन है क्लोराइड का ठीक है इसमें क्या होगा द साल्ट सॉल्ट ओके आर फॉर्मड बाई द रिएक्शन ऑफ एच सी एल जितने भी सॉल्ट एस सी एल एसिड एसिड वाली कैटेगरी पढ़ रहे ना तो एस सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जितने भी सॉल्ट बनेंगे वो सारे कैसे होंगे क्लोराइड अब समझ में आ गई बात ठीक है एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं तो एग्जाम्पल हो जाएगा ओके एने सीएल ठीक तो है तो एनए सी एल जब एच कैसे किससे बनेगा एन एसीएल सोल्ट है किससे बनता है एच सी एल प्लस एनएच से ठीक है तो सोडियम क्लोराइड नाम में ही आ रहा है क्लोराइड इसलिए ये किस कैटेगरी में आएगा क्लोराइड की कैटेगरी में ठीक है जैसे पोटेशियम क्लोराइड ये एक सॉल्ट है किससे बनता है एच सी एल प्लस प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ठीक है तो ये भी क्लोराइड की कैटेगरी में आ रहा है इतनी बात समझ में आ रही है ठीक है नाउ क्लोराइड के बाद आता है नाइट्रेट नाइट्रेट्स मैं लिख दे रहा हूं यहां पर सॉल्ट सॉल्ट की कैटेगरी है नाइट्रेट्स ठीक है तो ऐसे सॉल्ट द सॉल्ट्स है विच आर फॉर्म्ड बाई द सॉल्ट फॉर्मड बाई नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड से बनने वाले जितने भी सॉल्ट होंगे वो किस कैटेगरी के, के होंगे उनकी फैमिली होगी नाइट्रेट्स समझ गए जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनने वाले जितने भी सॉल्ट थे उनकी कैटेगरी थी क्लोराइड्स तो ऐसे ही नाइट्रिक एसिड से बनने वाले नाइट्रेट्स सिंपल है ओके तो जैसे एग्जाम्पल है सॉल्ट लिख रहा हूं यहां पर ठीक एसिड तो ये रहेगा ही रहेगा कौन सा एच हमेशा बेस बदलता जाएगा और उनकी नाम बदलता जाएगा सॉल्ट का ठीक है फॉर एग्जाम्पल सोडियम नाइट्रेट ठीक है तो इसका रिएक्शन जब NaOH से होगा तो बनेगा सोडियम नाइट्रेट क्लियर देखो दूसरा एग्जाम्पल अभी समझ में आ जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट तो एच एन थ्री तो रहेगा ही रहेगा इसके साथ में किस इस एसिड के साथ अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्ट ठीक है तो इसमें एसिड कॉमन है क्योंकि हम कैन कौन सी कैटेगरी पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एसिड्स ठीक है ओके थर्ड okay? आएगा थर्ड टाइप है सल्फेट फेट्स तो एज द नेम इंडिकेट सल्फेट्स तो फिर यहां पर आपको किस किस एसिड से बनेंगे तो सॉल्ट फॉर्मड बाय सल्फ्यूरिक एसिड ठीक है एच टू फोर से बनने वाले जितने भी सॉल्ट होंगे उनकी कैटेगरी है उनकी फैमिली है क्या कौन सी फैमिली है सल्फेट्स ओके समझ आ गई चलो एग्जांपल पढ़ लेते हैं ठीक तो है तो यहां ये सॉल्ट्स है एसिड तो यहां पर एच टू एसओ फोर ही रहेगा अब और यहां बेस बदलता जाएगा बेस ठीक है जैसे सोडियम सल्फेट तो एनए टू एसओ फोर एच टू फोर तो रहेगा ही रहेगा यहाँ बेस होगा एनए ओ एच ठीक है समझ गए एच टू एसओ फोर वैन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म एन ए टू एसओ फोर ये सोल्ट है और ये किसकी कैटेगरी है सल्फेट्स की एक और एग्जाम्पल देखते हैं कैल्शियम सल्फेट तो एच टू एसओ फोर तो रहेगा यहां पर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्सियम हाइड्रोक्साइड जब एच टू एसओ फोर से रिएक्शन करेगा तो कैल्सियम सल्फेट सॉल्ट बनाएगा तो वो फैमिली हो जाएगी फॉर सल्फेट्स की ठीक है फोर्थ फोर्थ हो गया कार्बोनेट्स ठीक है सो so, यहां पर लिख देंगे द सॉल्ट फॉर्म्ड बाई ओके रिएक्शन ऑफ कार्बोनिक एसिड क्योंकि कार्बोनेट्स है ना तो कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एसिड क्या है टू थ्री ठीक है समझ गए है ना देखो क्लोराइड बना एस सी एल से यस नाइट्रेट बना नाइट्रिक एसिड से यस सल्फेट्स बना सल्फ्यूरिक एसिड से यस कार्बोनेट बनेगा कार्बोनिक एसिड से एग्जांपल ठीक है एग्जांपल पढ़ते हैं यहां आएगा सॉल्ट ये तो एसिड तो कॉमन रहेगा ही रहेगा कौन सा रहेगा एच टू सीओ थ्री बेस बदलते जाएंगे तो सॉल्ट बनना है कौन सा सोडियम कार्बोनेट पोटेशियम कार्बोनेट बनाते हैं पोटेशियम कार्बोनेट ठीक है तो व्हेन कार्बोनिक एसिड रिएक्ट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन दोनों का रिएक्शन होगा तो ये बनेगा ठीक है ना नेक्स्ट मैग्नीशियम कार्बोनेट ठीक है तो जब यही HCO3 सी ओ थ्री कार्बोनिक एसिड का रिएक्शन किससे होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से तो जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा क्लियर तो कार्बोनिक एसिड से बनने वाले सॉल्ट कहलाते हैं कार्बोनेट्स ठीक है ओके ये तो होगी फैमिली कब जब ऑन द बेसिस ऑफ एसिड्स बी पार्ट बी पार्ट हो गया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बेसिस अब बेसिस का पढ़ेंगे अब तक से पढ़ रहे थे बेस का पढ़ रहे हैं ठीक है तो हमारे पास एक टेबल आ गई ऐसे ही ठीक है तो अब है फैमिली ठीक है बेस कौन सा बेस इन्वॉल्व है क्योंकि बेस की बेस पे पढ़ेंगे ओके okay. और फिर एग्जाम्पल ठीक है तो पहली फैमिली है सोडियम सॉल्ट क्या है सोडियम सॉल्ट तो इसमें बेस कौन सा रहेगा क्लियर बात है यही बेस रहेगा सोडियम जिसमें है वही तो सोडियम सॉल्ट बनाएगा ठीक है आप बेस पे पढ़ रहे हैं तो एग्जाम्पल हो जाएगा देखो सोडियम सॉल्ट के एग्जाम्पल है एन सोडियम नाइट्रेट ठीक है सोडियम कार्बोनेट ओके अब नेक्स्ट है पोटेशियम सॉल्ट अब पोटेशियम सॉल्ट है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ही बनेगा क्लियर सिंपल ठीक है क्या नाम हो जाएंगे के सी एल पोटेशियम सॉल्ट है के थ्री यस के बी आर Yes, ना के टू सी ओ थ्री यस ये सारे सॉल्ट किस बेस से बनेंगे के ओ एस से तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनने वाले बेस कहलाएंगे सोडियम सॉल्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बनने वाले सॉल्ट कहलाएंगे पोटेशियम सॉल्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बनने वाले सॉल्ट कहलाएंगे अमोनियम सॉल्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बनने वाले सॉल्ट कहलाएंगे मैग्नीशियम सॉल्ट क्लियर है ओके तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्ट बेसिस ऑफ बेस है ना बेस के बेस पर बताना है कि उनकी क्लासिफिकेशन क्या रहेगी ठीक है तो अगली हो जाएगी अमोनियम सॉल्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड से ठीक है मैग्नीशियम सॉल्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से कैल्सियम सॉल्ट कैल्सियम हाइड्रोक्साइड से कॉपर सॉल्ट कॉपर हाइड्रोक्साइड से क्लियर ओके नेक्स्ट हेडिंग इज ओके नेक्स्ट हेडिंग इज पी एच ऑफ सोल्ट सोल्यूशन ओके नेक्स्ट पी एच ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन सो एज वी नो द सॉल्ट आर फाउंड बाई एसिड प्लस बेस तो कहलाता है सॉल्ट प्लस वॉटर और इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इट कैन ऑल्सो भी रिवर्स ये रिवर्स भी हो सकती है कैसे रिवर्स हो सकती है जब सॉल्ट प्लस वॉटर किया जाएगा तो दोबारा से हमें मिल जाएगा एसिड प्लस बेस और इस रिएक्शन को बोलेंगे हाइड्रोलिसिस सॉल्ट हाइड्रो Lysis. समझ में आया दोबारा समझो एसिड प्लस बेस गि सॉल्ट एंड वॉटर और उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर इसी का रिवर्स कर देंगे जब सॉल्ट प्लस वॉटर करेंगे तो हमें वापस मिलेगा एसिड एंड बेस और इस रिएक्शन को बोलते हैं सोल्ट हाइड्रोलेसिस समझ में आया तो क्वेश्चन में भी आस लाइक व्हाट इज सॉल्ट हाइड्रोलिस तो लिख देंगे द रिवर्स रिएक्शन कैन ऑल्सो बी अकर्स अ सॉल्ट वेन रिएक्ट विद वॉटर गिवस एसिड एंड बेस दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिस ठीक है समझ में आ गया तो डिपेंडिंग अपॉन एसिड्स एंड बेसिस द सॉल्ट्स कैन बी classified इंटू फोर कैटेगरी ठीक है चार कैटेगरी हैं कैसे डिपेंडिंग अपॉन एसिड्स एंड बेस हम पीएच सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो एसिड या बेस के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी कैटेगरी कितनी होंगी चार तो पहली है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस समझ में आई बात जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस से तो कैसा सॉल्ट बनेगा तो उसके लिए हम पढ़ रहे हैं तो फिर से एग्जाम्पल है जैसे एनए सी एल ठीक है प्लस एच ट्यूओ हाइड्रोलिसिस अभी पढ़ी थी हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तो सॉल्ट और वॉटर ठीक है ठीक तो सॉल्ट एंड वॉटर क्या मिला हमें एन एच प्लस एच सी एल ठीक है तो ये भी स्ट्रांग है और ये भी स्ट्रांग है तो ऐसे सॉल्ट जो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से बनते हैं आर कॉल्ड स्ट्रांग सॉल्ट और उनको कैसा बोलते हैं स्ट्रांग सॉल्ट और उनका पीएच होता है सेवन समझ में आया फिर से सुनो द सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड बाई स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस जिनका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रांग बेस से मिला के जो सॉल्ट बनते हैं उन, उनका पीएच होता है सेवन पहली कैटेगरी ठीक है दूसरी सेकेंड क्या है द सॉल्ट ठीक है ऑफ स्ट्रोंग एसिड ठीक है एंड बीक बेस देखो डिफरेंस समझ में आया अब डिफरेंस समझ में आया वो दोनों क्या थे स्ट्रांग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो उनका पीएच था सेवन अब हम पढ़ रहे हैं सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड बाय स्ट्रांग एसिड बट बीक बेस तो तो, जैसे एन एनएच फोर सी एल एच टू हाइड्रोलिस ऑफ सॉल्ट किया तो हमें मिल जाएगा एन एच फोर ओ एच प्लस एच सी एल ये तो स्ट्रांग है और ये वीक है ठीक है वीक बेस स्ट्रांग एसिड इस इस केस में पीएच होगा लेस देन सेवन द सॉल्ट विच आर फाउंड बाय स्ट्रांग एसिड और बीक बेस उनका पीएच सात से कम होता है ठीक है समझ में आया ठीक है ओके थर्ड कैटेगरी सॉल्ट ऑफ बीक एसिड ओके एंड स्ट्रॉग बेस बीक एसिड स्ट्रांग बेस ठीक है तो हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं हम एनए टू सी ओ थ्री का एच टू ओ से तो हमें मिल जाएगा एन ए ओ एच प्लस एच टू सी ओ थ्री ये तो है स्ट्रांग बेस और ये है बीक एसिड तो सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड बाय स्ट्रोंग बेस स्ट्रॉन्ग बेस और बीक एसिड से मिलके बनने वाले सॉल्ट जो होते हैं उनकी पीएच होता है लेस देन ग्रेटर देन सेवन उनका पीएच होता है ग्रेटर देन सेवन किसका जो सॉल्ट बीक एसिड और स्ट्रोंग बेस से बनते हैं उनका पीएच होता है सात से ज्यादा जो सॉल्ट स्ट्रोंग एसिड और बीक बेस से बनते हैं उनका पीएच होता है सात से कम ठीक है अब चौथी कैटेगरी बची है दैट इज वॉट सॉल्ट ऑफ बीक एसिड एंड बीक बेस ठीक है बीक एसिड बीक बेस ठीक है सॉल्ट so, भी बीक ही रहेगा तो जिनका पीएच होता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल टू सेवन मतलब जो पीएच होता है वो इक्वल टू सेवन होता है लगभग जो कि कहते हैं नियरली सेवन होता है और इस, ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल होते हैं क्योंकि हमें पता है पीएच जिसका सेवन होता है वो न्यूट्रल होते हैं तो बीक एसिड और बीक बेस से बनने वाले सॉल्ट लगभग न्यूट्रल होते हैं और उनका पीएच सेवन होता है ठीक है समझ में आई बात है ना तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रांग बेस होते हैं उनका सॉल्यूशन जो न्यूट्रल बनता है वो भी न्यूट्रल होते हैं पीएच सेवन आता है ठीक है स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस में और बीक एसिड और बीक बेस उनका भी पीएच सेवन होता है ठीक है बस यहां याद रखना है आपको स्ट्रांग एसिड जब बीक बेस से मिलके बनता है सॉल्ट उसका पीएच सात से कम होता है और यहां पर पीएच सात से ज्यादा होता है कब जब बीक एसिड स्ट्रांग बेस से मिलकर बनता है ठीक है समझ में आ गई बात दिस इज कॉल्ड सोल्ट ओके अब एक और वर्ड है ठीक है ऐसे जो जो ये जो है ये जिनका पीएच सात से कम है ठीक है तो ये जो होते हैं एसिडिक होते हैं इनको बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट इनको स्ट्रोंग एसिड वीक बेस एसिडिक सॉल्ट बीक एसिड स्ट्रांग बेस देखो क्लियर दिख रहा है यहां पर स्ट्रांग बेस तो फिर ये कैसे होते हैं बेसिक सॉल्ट ये ठीक है कोई आपसे पूछेगा वाट आर बेसिक सॉल्ट तो हम कह देंगे द सॉल्ट विच आर फॉम्ड बाई बीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस तो फिर बेसिक सॉल्ट ठीक ठीक है एसिडिक सॉल्ट कौन होते हैं द सॉल्ट विच आर फॉम्ड बाई स्ट्रांग एसिड बीक बेस तो एसिडिक सॉल्ट सॉल्ट तो बनेगा लेकिन उसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी भी होगी और जो जिसका पीएच सात से कम होगा इसीलिए हमें पता है सात से कम पीएच वाला एसिडिक होता है सात से पीएच ज्यादा वाला बेसिक होता है ठीक है और सात के जीरो न्यूट्रल तो तो है क्लियर हो गया सॉल्ट तो वैसे भी न्यूट्रल होने चाहिए ठीक है थैंक यू